हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा किचन तड़का। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चॉकलेट केक बनाने की रेसिपी। बहुत ही आसान है, इसमें हम क्रीम का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे और केक हमारा बहुत ही यम्मी बनकर तैयार होगा। आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है और इसके अंदर डाला है 7 चम्मच ऑयल। ऑयल में कोई भी शार्प स्मेल नहीं होना चाहिए, जैसे सरसों का, कोकोनट ऑयल, ये नहीं लेना है आपको। और अभी इसके अंदर डाल दिया है मैंने दही। दही की भी 7 चम्मच ही डाली है। कोई भी आप एक स्पून सेट कर ले, उसी से सारा मेजरमेंट करें। इसके बाद 7 चम्मच ही डाली है मैंने पिसी हुई चीनी। चीनी को आपको पीस कर लेना है, बिना पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छी तरह से मिला लिया है बिल्कुल स्मूथ होने तक। अभी रख दी है मैंने स्ट्रेनर रख दी है। और क्योंकि हम 7 स्पून केक बना रहे हैं तो इसके अंदर डालना है 7 चम्मच ही हमें मैदा और कोको पाउडर मिलाकर डालना है। 5 चम्मच डाल दी है मैंने मैदा और 2 चम्मच डाल दी कोको पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप इसे नहीं बनाना चाहते हैं, चॉकलेट केक नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप 7 चम्मच मैदा डाल दीजिए। यहाँ मैंने चॉकलेट केक बनाना था इसलिए मैंने 2 चम्मच डाल दिया कोको पाउडर। 1/2 चम्मच जिस चम्मच से हम नाप कर रहे हैं बिल्कुल वही इस्तेमाल करनी है। 1/2 चम्मच डाला है बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच डाला है बेकिंग सोडा। अच्छी तरह से मिला देंगे सारी ही चीज़ों को बिल्कुल स्मूथ होने तक और इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। पेस्ट क्योंकि थोड़ा गाढ़ा है, अभी इसके अंदर हमें डालना है 7 चम्मच ही दूध। दूध रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर की ही लेनी है आपको। 7 चम्मच दूध डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और बिल्कुल स्मूथ बैटर बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, अच्छी तरह से मिला लिया है, बिल्कुल स्मूथ बैटर बन चुका है। इस केक को बेक कर रही हूँ मैं तवे के ऊपर। जिस तवे के ऊपर हम रोटी वगैरह बनाते हैं, कोई भी पुराना तवा हो उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तवे को गर्म होने के लिए रख दिया है गैस के ऊपर और बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है। यहाँ मैंने केक टिन भी तैयार कर कर रखा हुआ है। ये देखिए, यहाँ मैंने 5 इंच का केक टिन लिया है और 1 बटर पेपर इसके अनुसार ही मैंने काट कर रखा है। इसी के अंदर डाल देंगे जो हमने बैटर बना कर रखा है, इसे डाल देंगे। बैटर को अच्छी तरह से टैप कर लेंगे एक बारी ताकि कोई भी एयर्स बबल इसके अंदर ना रहे। तवा हमारा गर्म हो चुका है, इसके ऊपर स्टैंड रख देंगे। इसके ऊपर रख देंगे केक टिन जो हमने बैटर डाल कर रखा हुआ है। अभी इसे कवर कर देंगे। यहाँ मेरे पास एक भगोना है जो बिल्कुल फिट आता है इस तवे के ऊपर, उसी को रख दूंगी मैं और अच्छी तरह से इसे बेक होने देंगे 35 से 40 मिनट के लिए। 35 से 40 मिनट तक हम इसे बिल्कुल भी नहीं ओपन करेंगे। और 35 से 40 मिनट होने के बाद यहाँ मैंने हटाया है भगोने को और अच्छी तरह से हमारा केक बेक होकर बिल्कुल तैयार है। बहुत अच्छा फूल गया है, देखिए टूथपिक भी बिल्कुल क्लीन बाहर निकली है और ये केक हमारा बेक होकर बिल्कुल तैयार है। इसे निकाल लेंगे और ये देखिए, बिल्कुल भी नहीं चिपका है केक टिन से, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है। आप इसे बिना चॉकलेट लगाए भी खाएंगे तो भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप एक बार कट कर लेंगे तो सारे केक को खा जाएंगे, इतना ज़्यादा यमी बनकर तैयार हुआ है। रियली बहुत ज़्यादा टेस्टी केक बनकर तैयार हुआ था। यहाँ मैंने 100 ग्राम ले लिया है डार्क चॉकलेट कंपाउंड। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया है और डबल बॉयलर मेथड से इसे मेल्ट कर देंगे। नीचे एक बर्तन के अंदर मैंने उबलता हुआ पानी रख दिया था, उसके ऊपर ये बाउल रख दिया है। 3 चम्मच डाल देंगे हम इसके अंदर दूध। दूध गर्म डाला है मैंने ताकि चॉकलेट अच्छी तरह से जल्दी से मेल्ट हो जाए। और ये देखिए, मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है चॉकलेट, बहुत ही जल्दी ही ये मेल्ट हो जाती है। ये देखिए कितना अच्छा गनास बनकर तैयार हुआ है। हमने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला है इसके अंदर, फिर भी शाइनिंग देखिए आप गनास की, बहुत ही यमी बनकर तैयार हुआ है। इसे डाल देंगे चॉकलेट केक के ऊपर। आप चाहे तो इसकी लेयरिंग भी कर सकते हैं और ऐसे भी इसे पर डाल सकते हैं। सारे ही गनास को हम फैला देंगे और जो नीचे प्लेट के अंदर गनास गिर चुका है इसे साइड में लगा देंगे। सारे केक को कवर कर देंगे। 100 ग्राम चॉकलेट कंपाउंड से पूरा केक कवर हो जाएगा गनास से। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आए, थोड़ी भी हेल्पफुल हो आपके लिए, तो प्लीज़
वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें आने वाली नई नई वीडियो देखने के लिए। अगर कोई भी रेसिपी चाहिए आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे बता सकते हैं। इसे मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है केक बोर्ड पर, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आप बेकरी से लाए हों। इतना सॉफ्ट और यमी केक बनकर तैयार हुआ था। अभी मेरे पास गोल्डन बॉल्स रखे थे, वो डाल दिए हैं मैंने इसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अगर आप और भी केक की रेसिपी देखना चाहते हैं बिना क्रीम के तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। मैं आपके लिए केक की रेसिपी या और भी जो भी रेसिपी आप चाहते हैं वो लेके आती रहती हूँ। आई होप वीडियो पसंद आ रही होगी। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें आने वाली नई नई वीडियो देखने के लिए। और केक कट कर दिखाती हूँ आपको, कितना सॉफ्ट केक बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला टेस्ट लाजवाब है। आप एक बार ट्राई करके देखिए, टेस्ट बहुत ज़्यादा यमी मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट।